हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल पालक की एक और रेसिपी, पालक सत्तू कढ़ी। और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरीके से बना रही हूँ। पहले मैंने इसका इस तरीके से चीला बना लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके यहाँ पे मैंने इसमें तड़का लगाया। और सच में ये रेसिपी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मुझे ये तो बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो आप चाहे इस रेसिपी को बिना बटर मिल्क या दही के भी आप इसे बना सकते हैं मसालेदार, उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसे बटर मिल्क से बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं इंग्रेडिएंट्स कुछ, जैसे कि एक प्याज, छोटा सा प्याज लिया है, छोटा सा टमाटर और एक हरी मिर्च। और इसे हम एकदम बढ़िया से एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बंच पालक। और यहाँ पे हम सबसे पहले पालक का जो जड़ है उसको पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे एकदम बढ़िया सा वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये गंजी ले लिया है और हम इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से निकल जाए। और अब हम इसे एकदम बढ़िया से बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉपर से भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब डाल देंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ले लिया मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2/3 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी यहाँ पे मैंने ले लिया है सत्तू। अब सत्तू की जगह पे यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं। सत्तू मतलब जो रोस्टेड चना दाल का पाउडर रहता है ना, वो मैंने लिया हुआ है। और इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसे इस तरीके से हम इसका घोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच जो है बेकिंग सोडा ले लिया है और इसे भी एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो बेकिंग सोडा को स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बैटर है चीला के, वो एकदम बढ़िया सा रेडी है। तो अब हम गैस ऑन कर लेंगे, तवा को गर्म कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसे भी एकदम अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम जो यहाँ पे ये चीला को इस तरीके से फैला लिया और इसमें ऑयल डाल के हम दोनों साइड से एकदम बढ़िया सा इसका गोल्डन कलर आने देने तक यहाँ पे मैंने इसे सेक लिया है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और जो है चीला बना लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला चीला तो बन के तैयार है और अब हम बटर मिल्क की भी तैयारी कर लेते हैं कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे 2 ग्लास बटर मिल्क ले लिया है। इसमें डाल देंगे नमक 1/2 टेबल स्पून और 2/3 टेबल स्पून हल्दी। और अब हम इसे भी एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये बॉयल होना शुरू हो गया। और वहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी चीला को रख दिया बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है, मैं टोटल 2 चीले का बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया। आप चाहे तो इसे अपने पसंद की किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। और अब हम ये हमारा उबलता हुआ जो बटर मिल्क है उसमें हम इसे डाल देंगे और इसे भी एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया तड़का पैन। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून सरसों मैंने ले लिया और 2 हरी मिर्च जिसे बीच से यहाँ पे कट कर लिया है। और अब हम डाल देंगे 2 डाली यहाँ पे मैंने करी पत्ता ले लिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और जब मैंने गैस का ऑफ कर दिया उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है, जिससे कि जो तड़का वो जले ना। हम तड़के को इसमें डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे हम इसमें एकदम बढ़िया सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब ये एकदम बढ़िया तरह तैयार है हमारी जो आज की पालक सत्तू की जो कढ़ी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।